लंदन में कल डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं लोग। ये कभी लंदन में सोच सकता था बंदा कि व्हाइट हॉल एक सड़क है जहां से पूरी बसेस, इतना टूरिज्म है वहां पे, और वहां पे इतना बड़ा अपना वो प्रोटेस्ट करके उसके बाद नमाज पढ़ रहे हैं लोग। ये लंदन में हाल हो रहा है। तो आप ये सोचो कि लंदन में एक क्रिश्चियन प्रीचर या कोई हिंदू प्रीचर अगर कोई अगर सड़क पे ऐसा कर रहा हो ना, तो लोग नाक में मुंह चढ़ा के देखते हैं, पुलिस आ जाती है, कहती है ये तमाशा कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो वो हाँ वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो करने दो। ये हालात है लंदन में। तो यार मुझे ये सवाल है तुमसे कि मुसलते नमाज पढ़े तो जायज है, क्रिश्चियन हाँ वहां पे प्रेयर कर ले तो जायज नहीं है। ये नहीं दोगलापना क्यों है? ये जो विक्टिम कार्ड है, ये क्रिश्चियन हाँ और हिंदूज और जूस क्यों नहीं खेल रहे वहां पे? क्योंकि वो इससे नहीं खेल रहे, क्योंकि जो लेफ्ट विंग है वो कहती है हाय मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, क्योंकि देख लो इंडिया इंडिया में जो हिंदू है वो मुसलमान को किस तरह ट्रीट करते हैं, वो ये सिख बड़े बुरे हैं क्योंकि वो मुसलमान को किस तरह ट्रीट करते हैं, वो ज्यूस यहाँ कितने पे बुरे पास, जो यहाँ पे पास, यहाँ मुसलमान पे पास, यहाँ पे पास। मैंने हिंदुओं को कई दफा बताया, ये लोग मेरी बात को। मानते नहीं। शायद वो जो होता है ना, घर का घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली चीज चलती है यहाँ पे। मैंने कई दफा बताया है कि तुम लोगों के एंटी इतने इतने आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और तुम्हारे जो गुरु ग्रंथ हैं वो लोग सोए हुए हैं, वो अंग्रेजी में उन आर्टिकल्स के रिबटल्स नहीं लिखते। ये गधे मेरी बात नहीं मानते, और मैंने कई दफा ये बात बताई है। और फिर मैं कुछ कह दूं इनको तो ये लोग कहते हैं एडम जो है ना वो एंटी हिंदू बन गया। भाई ये बात आप इनको समझाओ कि हिंदुओं के खिलाफ वेस्ट में इतना बड़ा प्रोपरगेंडा जो मुसलमानों ने शुरू किया हुआ है, इनके गुरु ग्रंथ क्यों नहीं जवाब दे रहे? इनको बोलो ना कि जवाब दो, आर्टिकल लिखो, उतना स्प्रेडिंग करो, क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस देख लो यहाँ पे लंदन में, ठीक है, आप कहीं भी पूरे इन मोड में चले जाओ, लेस्टर में चले जाओ पे इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, लंदन में आ जाओ जहाँ पे कुछ जगहों में कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, सिख कम्युनिटी साउथ हॉल में देख लो, अगर आप गुरुद्वारा में चले जाओ वो खाना बना के ना मुसलमानों को खिला रहे हैं, ठीक है, जो हो यहाँ पे रेफ्यूजी आ रहे हैं, अब हिंदू टेम्पल में चले जाओ वहां पे मुसलमानों को खाना खिलाने के देख लो, ये ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये हलाल है, ये वेजिटेरियन है, ठीक है, ये हो रहा है सबके लिए, रेफ्यूजीज के लिए हो रहा है। एक चले जाओ जरा एक मस्जिद में, लंदन में की बात करो, पूरे एक मुल्क में ना एक रेफ्यूजी जो नॉन मुस्लिम हो वो जाए जरा मस्जिद में, वहां क्या कहते हैं, पहले ये वदू करो, ये सीखो, ये तमीज सीखो, फिर आना, ये शॉपिंग बैग थाले में ना डाल के एक सेब और एक केला फेंक के चलो जी जाओ हम निकलो पार हो, बार बार से निकाल दे, ये है यहाँ पे, तो तो मुझे भाई जान, समझ ये जो नहीं आती ये। सेक्युलर हिंदू और सेक्युलर क्रिश्चियन और सेक्युलर सिख हैं, यार मुझे बताओ मैं इनको कैसे जगाऊं? मैं इनको जगा जगा के थक गया हूं, ये लोग जागते नहीं है। मुझे बताओ वो कौन सा डंडा है जो मैंने पेलूं कि इन गधों को, ये सेक्युलर हिंदू, सेक्युलर क्रिश्चियन और सेक्युलर सिखों को, बगैरतों को समझ लगे कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म ने कितनी अपंगता फैलाई हुई है। मुझे बताओ मैं वो कौन सा डंडा इनको घुमाऊं कि इनको ये बात समझ लगे। मुझे लगता है इनको ना कुछ जूतियां पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब ये मुसलमान इनके तोड़ेंगे ना इनके गुरुद्वारे, जब मुसलमान इनके तोड़ेंगे ना टेम्पल्स, तो फिर इनको समझ में आएगी, क्योंकि ये मसला यहाँ पे ये इतनी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आ गई है, हमारे साथ बुरा कर लो तो हम बहुत पेशेंट हैं, हम बहुत पेशेंट हैं, हमारे साथ बहुत बुरा कर लो, कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये कोई है ही अरे नहीं शुरू हो इनके तो क्या, अंदर की। कैसी बात कर रहा है यार? लंदन के अंदर कई चर्च हैं जो मुसल्टों ने मस्जिद बना दी, ठीक है, क्रिश्चियन फिर भी सोया हुआ साला। तो मैं ये जो सेक्युलर क्रिश्चियन जो सोया हुआ साला, इसको मैं कैसे जगाऊं? इनको मेरे अगर घर क्यों से, मैं तो बताता हूं, पिछले साल दिवाली के त्योहार पे एक वो हिंदू मेरा दोस्त है, उसने मुझे अपने टेम्पल बुलाया था, ठीक है। इस साल उस टेम्पल में वो टेम्पल ही नहीं रहा, बिक गया। वो हिंदू ने जिस टेम्पल में जो बुलाया था 2 साल पहले, सॉरी माय बैड, 2 साल पहले उस जिस टेम्पल में बुलाया था, वो टेम्पल आज बिक गया। क्यों? कोविड साहब की वजह से वो अंडर आए, वो लोग उन्होंने कोशिश की उसे संभालने की, संभाल नहीं सके, आज वो बिक गया। चर्चेस तो अक्सर बिकते रहते हैं क्योंकि इट पुट्टो तो यहाँ पे वेस्ट में चर्च मौजूद है आपके,
अब मुझे बताएं कि मैं इन हिंदुओं इन क्रिश्चियनों को कैसे जगाऊं, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप बैठे हुए लंदन में द हार्ट ऑफ एवरीथिंग के अंदर, मुझे बताएं ये इन सिकुलर हिंदुओं और इन सिकुलर क्रिश्चियंस को मैं कैसे जगाऊं कि ये जाग जाए, इन्हें पता लगे इनके साथ हो क्या रेला है। जब तक यहाँ पे ये अगर ये विक्टिम मेंटालिटी से थोड़ा हट के अगर लोग सोचे ना जरा कि क्या हो रहा है, तब तक समझ नहीं आएगी। और सब जहां तक ये बात है कि जहां पे पॉलिटिशियंस अगर इतने पॉलिटिकली करेक्ट होके बात कर सकते हैं, इसराइल में देख लो नेतन्याहू है, ठीक है, वो किस तरह से, वो ये नहीं कह रहा कि ये कोई वो इस्लाम की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये करप्ट आइडियोलॉजी है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। जब आपको इस्लाम सिखा रहा है, जब मोहम्मद सिखा रहा है कि नो ज्यू शुड बी लेफ्ट इन द अरेबियन पेनिनसुला, जब कहा जा रहा है ये, उस पर ये बात नहीं करनी, उस पर सारे ये कहेंगे कि नहीं ये बस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। तो अब ये सोचो कि एक वहां पे प्राइम मिनिस्टर बंदा हो कि इस तरह की बात कर रहा है, इतना पॉलिटिकली करेक्ट हो के, तो आप क्या यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे लोग चेंज होंगे, यहाँ पे लोग इन अनपॉलिटिकली करेक्ट हो के सोचेंगे? इम्पॉसिबल है। जब तक आप जब तक आप रियलिटी पोर्ट्रे नहीं करोगे एक चीज की, तो कोई चीज कोई नहीं समझेगा। और ऊपर से जहाँ पे ये है, अब जहाँ पे रीजेंट स्ट्रीट चले जाओ, या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चले जाओ, या फिर बॉन्ड स्ट्रीट चले जाओ, या हाई स्ट्रीट चले जाओ, यहाँ पे इस तरह मुसलमान ऐसे फैल के फिरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। कोई ना तमीज है, ना हम्बलनेस है, और लोग लोग ये इनकी हालत देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। फिर मेरी तरह कोई हो, फिर कहता है कि हम्बल योरसेल्फ, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर उसको भाई हाय हाय ये क्या हो गया है, ये हशर है यहाँ पे। तो अब क्या करे बंदा, आप इस तरह डंडा पूछ रहे हो। मैं तो ये कहूंगा लंदन ना आओ, अपने अपने इतना के कोई 100-200 लोग लेकर आओ और यहाँ पे डंडे मारना शुरू करो, इन्हें बोलो कि क्या कर रहे हो तुम लोग। बस बगैरती है सर। विकी सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिख अकेले आर नथिंग, सिख नीड्स टू ज्वाइन हैंड्स विद हिंदूज एज वेल, एंड दे ऑल नीड टू ज्वाइन हैंड विद क्रिश्चियंस एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि हर कोई सेकुलर बना बैठा है, ठीक है। आप सेकुलर हिंदू के पास जाएंगे वो आपका साथ नहीं देगा, आप सेकुलर क्रिश्चियन के पास जाएंगे वो आपको साथ नहीं देगा। ये जो कुतपुना सेकुलर का कीड़ा है ना, सेकुलरिज्म का, ये अगर खत्म ना हुआ तो यार ये सारे मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। ये तो हकीकी बात है, ओ गॉड, आप गालियां बाहर निकालते हो, कुत्ते की मौत जुबान मरेंगे। साफ करो अपनी। और नहीं सर, मेरी जुबान वैसे ही बहुत गंदी है भाई, लोग कहते हैं तू सच्चा क्रिश्चियन ही, मैं कहता हूँ ठीक है ना हो, आई जो दुआ सत्य है कर रहा वो हूँ बोलूंगा कि मैं। कुत्ते इसकी की मौत मरेंगे, ये मोहम्मद भी इतनी बुरी मौत नहीं मरा जितनी बुरी मौत ये लोग मरेंगे ओह गॉड, अगर इन्होंने सेकुलरिज्म का कीड़ा ना जाया तो। आई नो व्हाट यू मीन, यू आप सही कह रहे हो, आई कांट इवन डिनाई, सही कह रहे हो आप। अमेरिका में कोई है एक इस वक्त जो पॉलिटिक्स में है, जो कि हिंदू है, क्या नाम है यार उसका, यार कोई अमेरिका बता में दे या यार, लंदन अमेरिका में, यार में, अमेरिका में? अमेरिका में एक नया है जो कि रमेश स्वामी, रामास्वामी, रामा स्वामी के नाम से एक हिंदू है, प्रॉबली ऑब्वियसली नाम उसका रामास्वामी है तो हिंदू ही होना चाहिए उसका। विवेक रामास्वामी। हाँ थैंक यू, विवेक रामास्वामी। अच्छा यार, इतना बड़ा सेक्युलर हिंदू है ये, मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी को भी इसने जो है ना 10 फुट नीचे छोड़ दिया। यानी गांधीगिरी की क्या गांधीगिरी होगी यार, कोई तो आए, मैं क्रिश्चियन देखता हूँ वो सेक्युलर आता है, मैं हिंदू देखता हूँ वो सेक्युलर आता है। अबे कोई तो आओ यार, सबको पहले मैं रोटी सिर्फ से कहता खिलाना था भाई। यार साल में, पहले मैं कहता था कि ये जो है ना क्रिश्चियन जो है ये सेक्युलर हो गए हैं, यार हिंदू भी इतने सेक्युलर हो चुके हैं यार, इतने सेक्युलर हो चुके हैं। अब ये विवेक रामास्वामी, मुझे किसी ने बताया यार विवेक रामास्वामी जो है ना वो पॉलिटिक्स में आ गया है, और शायद वो जो है वो आ जाएगा उसमें ना इलेक्शंस में फॉर द प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट, ना भी है वाइस प्रेसिडेंट, सब वाइस प्रेसिडेंट, कोई कोई बड़ी सीट ही ले ले, डजंट मैटर। जब मैंने उसके ख्यालात पढ़े, उसकी स्पीचेस पढ़ी, ओ मैं गया वड़ गए पांडे च। पांडे सर कोई तो आए यार,
कमाल है यार, वो ट्रम्प है। हाँ वो ट्रम्प, लोगों ने ट्रम्प लिखा है। हाँ ट्रम्प में थोड़े से सत्तू है, लेकिन उसकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया है, इतना बड़ा सरिया है, उसके उसकी जुबान काट दो, उसके अंगूठे तोड़ दो, उसके बाद उसे प्रेसिडेंट बना दो, काफी को सीधा कर लेगा। ट्विटर ना कर, ट्विटर पे ट्वीट ना कर सके वो, अंगूठे उसके काट दो। लोग बिला वजह बकवास ना कर सके, जुबान उसकी काट दो, उसको बता दो ताकि वो सेंस कर करके ना जो है ना कोई अच्छा काम कर ले, तो कुछ ना कुछ फिर भी अच्छा कर लेगा। लेकिन उसमें इतना गंदा सरिया है, इतना गंदा उसके अंदर गर्दन के अंदर उसके सरिया है, जहां जाता है वो बिस्ती कराता है बंदा। ये सही था यार।